Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today, we will start our new chapter of our mathematics books by Brain Root series. The name of the book is Mathematics Whirlwind Pre-Primer. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी बुक का, चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर का क्या नाम है? मनी. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वी ऑल बाय एंड सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स. इसमें क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं और सेल मतलब बेचते हैं, किससे? विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट. कॉइन्स का मतलब सिक्कों से, और करेंसी नोट मतलब जो हमारे इंडियन रुपीज होते हैं, जैसे 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, 100 एक्सेट्रा. द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी. इंडिया की करेंसी को क्या कहते हैं हम? रुपी. तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉइन्स के बारे में. कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्का. तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से कॉइन्स चलते हैं. नंबर 1 रुपी कॉइन. 1 रुपी मतलब एक का सिक्का. नेक्स्ट 2 रुपीज कॉइन. 2 रुपीज मतलब 2 रुपीज, दो का सिक्का. आफ्टर देन 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन एंड 20 रुपीज कॉइन. 20 रुपीज कॉइन बिल्कुल नया कॉइन आया है. अब तक हम 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज का कॉइन देखा था, लेकिन अब हमारे पास कौन सा कॉइन ऐड हुआ है? 20 रुपीज का कॉइन भी ऐड हुआ है. करेंसी नोट्स, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो कौन कौन से करेंसी नोट है इंडिया में? 1 रुपी, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज एंड 500 रुपीज. मतलब 1 रुपीज का 2 रुपीज, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500, इन सबके क्या आते हैं? करेंसी नोट आते हैं. किस, कहां पर? इंडिया में. डैश इज द सिंबल ऑफ द इंडियन करेंसी. इंडियन करेंसी का सिंबल कैसा होता है? लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. इंडिया की करेंसी का सिंबल कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है. नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस. अब किस चीज का टाइम है? प्रैक्टिस का. रीड द टैग ऑन ईच टॉय. कलर द कॉइन और कॉइन्स यू नीड टू बाय इट. यहाँ पर कुछ टॉय की पिक्चर बनी हुई है और उस पर क्या लगा हुआ है? टैग लगा हुआ है. टैग मतलब एक टैग लगा हुआ है जिस पर क्या लिखा हुआ है कि वो टॉय कितने का है, और उसके सामने क्या बने हुए हैं? कुछ कॉइन्स की पिक्चर बनी हुई है. आपको टैग पर देखना है कितने रुपीज लिखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग उस कॉइन को कलर करना है जिससे आप उस टॉय को परचेज कर सके. तो सबसे पहले टॉय पे कितने रुपीज का टैग है? टैग ऑफ 2 रुपीज. तो हमें देखना है कि हमें कौन से कॉइन में कलर करना है कि हम इसको परचेज करें. तो हमारे पास 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है और 5 रुपीज का. एंड द कॉस्ट ऑफ द टॉय कार इज 2 रुपीज. सो वी विल कलर द कॉइन 2. हम 2 के कॉइन को कलर करेंगे. द नेक्स्ट वन इज द पिक्चर ऑफ टॉफी. एक टॉफी की पिक्चर है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 रुपी. और यहाँ पे कौन कौन से कॉइन की पिक्चर है? 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ द टॉफी इज 1 रुपीज. टॉफी कितने की है? 1 रुपी की है. सो वी विल कलर द कॉइन 1 रुपी. हम 1 रुपी के कॉइन को कलर करेंगे. द नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ टेडी बियर एंड द कॉस्ट ऑफ टेडी बियर इज 7 रुपीज. टेडी बियर कितने का है? 7 रुपीज का है. और यहाँ पे कौन कौन से कॉइन की पिक्चर है? 1 रुपी
2 रुपीज एंड 5 रुपीज। अब आप सोचेंगे कि 7 रुपीज का तो कॉइन नहीं है। यस, 7 रुपीज का कॉइन नहीं आता, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई से भी 2 कॉइन पे कलर करेंगे जिनका टोटल कितना होता है, 7 रुपीज के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा कॉइन लेंगे 5 रुपीज का। 5 में हमें कितने ऐड करने की 7 मिले, 5 + 2 = 7। तो आप 2 रुपीज के कॉइन पे और 5 रुपीज के कॉइन में क्या करेंगे, कलर करेंगे, तो उसका टोटल कितना आ गया, 7 रुपीज आ गया। रिकॉग्नाइज द करेंसी नोट्स एंड राइट देयर वैल्यू। यहाँ पे कुछ करेंसी नोट्स की क्या बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, आपको उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है और क्या लिखना है कि वो कितने का नोट है। तो सबसे पहला नोट हम देखेंगे वो कितने रुपीस का नोट है। तो सबसे पहला नोट है वो है हमारा 100 रुपीस का नोट। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले हम रुपीस का सिंबल बनाएंगे और उसके आगे उसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो कितने का है ये, 100 रुपीस का नोट है। नेक्स्ट नोट कितने रुपीस का है बताइए जल्दी। यस, यू आर राइट, दिस इज द नोट ऑफ ₹50। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ सिंबल ऑफ रुपी, देन वी विल राइट 50, ₹50। द नेक्स्ट वन इज ₹500 नोट, अगेन वी विल मेक अ सिंबल ऑफ रुपी एंड राइट 500। रेस्ट 3 यू विल राइट बाय योरसेल्फ, बाकी के 3 आप खुद देखेंगे कि वो कितने करेंसी का नोट है और उसकी वैल्यू आप दिए हुए ब्लैंक स्पेस पे लिखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं, हमें काउंट करके उनका क्या लिखना है, टोटल अमाउंट लिखना है। तो सबसे पहले कितने का कॉइन है, 5 रुपीज का, देन 2 रुपीज, देन 1 रुपी। तो सबसे पहले हम 5 के लिए 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, देन 2, देन 1। अब हम इन सबको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने रुपीज हो गए हमारे पास, 8 रुपीज। सेम हम नेक्स्ट करेंगे, 5 + 5 + 1, 5 + 5 + 1 = 11। 5 में हमने 5 को ऐड करा और उसमें हमने क्या ऐड करा, 1, दैट इज 11 रुपीज। नेक्स्ट 2 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एड द नोट्स। सेम जैसे आपने अभी कॉइन्स को ऐड करके उसका अमाउंट लिखा, अब आपको किसका अमाउंट लिखना है, नोट्स का अमाउंट लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कितने का नोट है, 100 रुपीज, देन 50, देन 10। तो जब हमने 100 में 50 को ऐड किया तो वो कितना आया, 100 + 50 = 150। अब 150 में हम क्या ऐड करेंगे, 10। 150 + 10 = 160। द नेक्स्ट वन इज ₹50, ₹20 and ₹10। 50 रुपीज में हमने 20 रुपीज ऐड किए तो कितना आया, 50 + 20 = 70। कितना आया, 70। 70 में हम क्या ऐड करेंगे, 10 और ऐड करेंगे। 70 में जब हमने 10 और ऐड करे तो हमारे पास क्या आया, 80। तो इन सब नोट्स की वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज। सो द नेक्स्ट वन यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो फॉर शॉपिंग। अब हमें कहाँ जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे लगता है सब बच्चों को शॉपिंग पे जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको शॉपिंग पे ले चलती हूँ। ₹100, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बैग, ₹100। द नेक्स्ट वन इज द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, एंड व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ दिस बॉक्स, ₹20। द नेक्स्ट वन इज नोटबुक, एंड व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ₹50। द नेक्स्ट वन इज पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज ₹5। नेक्स्ट वन इज पेंसिल बॉक्स, द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज
10 rupees 10. So the cost of one bag and one copy. हमें क्या बताना है? Cost of one bag and one copy. तो उसकी cost कितनी है? तो हम rough में करके देखेंगे. पहले rupees 100 किसकी cost है? Bag की. और one copy की cost कितनी है? 50. 100 plus rupees 50 is equal to कितने हो गए? 100 में 50 add किए तो अमाउंट आया 150. नाउ द कॉस्ट ऑफ कलर्स एंड वन पेंसिल. अब हमें क्या बताना है? कलर्स की और एक पेंसिल की कॉस्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर्स की कॉस्ट कितनी है. कलर्स की कॉस्ट है रुपीज 20 और वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 5. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड रुपीज 20 एंड रुपीज 5. तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25. तो दोनों चीजें कितने में आएगी हमारी? रुपीज 25 में. द नेक्स्ट वन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. दो मैंने करके दिखाए, अब एक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. ओके तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने मनी के बारे में पढ़ा, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा और इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ा. हमने ये देखा कि इंडियन करेंसी में कौन कौन से नोट्स आते हैं और कौन कौन से कॉइन आते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.